शुरू करते हैं 12 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन से, जो कि करंट पे आधारित है और ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरह का वन डे एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है हमारा, बूमचू उत्सव कहाँ हुआ है या कहाँ मनाया गया है। जो बूमचू उत्सव है वो कहाँ मनाया गया है, वो सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ पर, सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम की जो अवस्थिति है वो भारत के नक्शे में ये है, ठीक है। तो ये सिक्किम की अवस्थिति है और यहाँ पर जो हमारी गुरु शिखर है वो नेपाल के अंदर स्थित है, सॉरी गुरु शिखर तो राजस्थान में है, माउंट आबू के अंदर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय की, उसको उसका क्या नाम है, हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ऊपर वो है। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये तो हम देख लिया बूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो वो सिक्किम के अंदर मनाया गया है। तो किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है। तो ऐसा कौन सा देश है तो जिससे, जहां पर महिलाओं की बात आ जाती है ना, तो वो क्वेश्चन वो टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो महिलाओं का चल रहा है, ठीक है। तो किस देश ने 25 वर्षों के बाद, कितने वर्षों बाद, 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में, आर्मी में आने की अनुमति दी है। तो किसने दी है, कोलंबिया ने दी है, और कोलंबिया दक्षिण जो अफ्रीका है वहां का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। जो इंडियन फार्मा फेयर है, जो मेडिकल से संबंधित जो मेला लगेगा, उसके 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा उत्तर प्रदेश। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो वो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। और इंडियन फार्मा फेयर के ये किस कौन से नंबर के संस्करण का मेजबानी करेगा, तो ये 8वें संस्करण का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 के अंदर अलग अलग यूटी बना दिए गए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में वह कौन सी जगह है जहां पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा न्यूज के अंदर रहता है और अब तो इसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज भी लगा दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही के अंदर जो 5 दिवसीय मतलब 5 दिन तक लगातार चलने वाला जो यसांग उत्सव है वो कहाँ मनाया गया है या कहाँ पर शुरू हुआ है, तो वो हुआ है मणिपुर के अंदर। ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो को भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह दिया है। तो इसरो और नासा का संयुक्त रूप से जो ये मिशन है उसका नाम है निसार। तो किसने दिया है, तो नासा ने दिया है, मतलब अमेरिका ने दिया है, जिसका अन्य नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसरो को भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर पहली बार कोई भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त हुआ है। इसका नाम है, क्या नाम है, अरुण सुब्रमण्यम। और न्यूयॉर्क कहां पर है, तो अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है उसका नाम क्या है, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है वो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका की, उनका नाम क्या है, क्योंकि काफी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ है। तो क्वान लालमपुर हुआ है। और क्वान लालमपुर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, या तो आप बता दो नहीं तो मैं बता दूंगा। तो 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 क्वान लालमपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। तो ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है, तो वो की है एक्सिस बैंक ने। तो ये अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बैंकिंग से संबंधित है। और एक्सिस बैंक ने ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए आईटीसी के साथ साझेदारी की है। तो आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह
JW समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो अफगानिस्तान पर मध्य एशिया की JW समूह की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई है? इंडिया में हुई है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन अभी चल रहा है, और उसी के ऊपर जो JW जो समूह है उसकी जो पहली बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? इंडिया के अंदर हुई है। तो मैं दो आपको बता देता हूँ, एक तो कि कुआलालंपुर कहाँ पर है और दूसरा कि JW समूह क्या है, क्योंकि ये भी आपका क्लियर होना चाहिए साथ के साथ। ठीक है, तो कुआलालंपुर क्या है? तो यह मलेशिया की राजधानी है, जहां पर 5वां आसियान शिखर सम्मेलन का जो भारत व्यापार सम्मेलन 2023 की बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है। और जो JW समूह है यह एक वैश्विक समूह है जो किसी भी देश के साथ मिलकर वहां की प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान पर मध्य एशिया की JW समूह की जो बैठक हुई है, पहली बैठक हुई है, वो इंडिया के अंदर हुई है। तो ये थे हमारे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि करंट के ऊपर आधारित होते हैं। आई होप आपको ये यूजफुल लगे होंगे। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन का आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो थैंक यू सो मच।